अरे नहीं मैं नहीं मानता। अरे हाँ सच में, इंडिया इतनी तरक्की कैसे कर गया भाई? सर कर गया आपके सामने, आपने खुद देखा। तो यहाँ कहीं मेंशन ही नहीं है कि इंडिया। सर ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ क्यों मेंशन नहीं है। ये देखें, ये मेंशन है सारा। इंडिया से फिलहाल हम हमारा कंपैरिजन अभी नहीं है क्योंकि उन्होंने एक हेड स्टार्ट लिया, अर्ली 80s में उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और हमने यहाँ पे फोकस किया 2010 ऑनवर्ड, सो वी वर 30 ईयर्स लेट। तो इंशाल्लाह विल कैच अप। इनक्रेडिबल, आई कैन नॉट बिलीव कि इंडिया इस हद तक जो है वो अपने टेक्नोलॉजी पे और अपने इस पे काम कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई है ये देख के कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो डे बाय डे जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है। आज हम दिखाएंगे पाकिस्तान के अवाम को इंडिया के शहर गुजरात के साइंस सिटी का सबसे बड़ा एक्वेरियम। मैं उन्हें नहीं बताऊंगी वीडियो कहाँ की है, ये वीडियो देखकर उन्हें खुद जज करना होगा। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन ये जज कर पाता है और सही बता पाता है। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ मैं, आपने वो वीडियो देखनी और गेस करनी है कि ये वीडियो किस मुल्क के किस शहर की है और कैसी लगी, आपने उस पर अपनी राय का इजहार करना है। वीडियो स्टार्ट करें। जी करें। पहले तुम ये बताएं वीडियो कैसी लग रही है आपको? हाई टेक है, काफी अच्छी है। Looks like an Huawei office in China. I think it is Dubai. I guess. सर कैसी है वीडियो? वीडियो तो जबरदस्त है, ये तो लगता ही नहीं कि ये तो कोई हांगकांग साइड भी की लग रही है, कोई दुबई साइड की लग रही है, किसी डेवलप्ड कंट्री की लग रही है, पाकिस्तान की तो लग ही नहीं रही है। पाकिस्तान की है भी नहीं सर। फिर क्यों फिर आप इतना तरद्दुद कर रही हैं, ये तो वाकई नहीं लग रही। और ये इतनी खूबसूरत सीनरीज, इतनी खूबसूरत फिशेस और सीन ऐसे, ये तो अफ्रीकन कंट्री की है। किसी अफ्रीकन कंट्री की है? आर यू श्योर? गैलरी अटैच नहीं है, अफ्रीकन की भी नहीं लग रही, ये तो उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे। ये तो वीडियो कैसी है? वीडियो तो बड़ी आउट क्लास है, 3D एनिमेशंस भी लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हम 3D दुनिया में एंटर हो गए हैं। बड़ा ही कमाल जो है इसका एम्बियांस है, इसका जो है वो सारा एक्वेरियम्स हैं, बड़ा प्यारा म्यूजियम टाइप लग रहा है। एक्वेरियम है बेसिकली? बेसिकली एक्वेरियम बिल्कुल, इसमें फिशेस भी हैं, फिश एक्वेरियम भी है और इसमें जो है और भी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। 3D व्यूज़ भी हैं इसमें, 8D व्यूज़ हैं, एमिनेशन बड़ी कमाल है। क्या कहेंगे सर, क्या लगता है कहाँ की वीडियो है ये? मोस्ट लाइकली वैसे अब्रॉड की लग रही है कहीं, लेकिन इट माइट बी हियर इन, मुझे तो लग रहा है एटलांटिस की है शायद। एटलांटिस की है वो, उनका जो है अंडर वाटर एक्वेरियम और वो जो वो उनके, हाँ दुबई एटलांटिस होटल आई गेस। नहीं नहीं है, दुबई नहीं है, कराची है। कराची भी नहीं है, लाहौर ही है। लाहौर हो सकता है ऐसा? नहीं बड़ी प्यारी जो है वो जोन है, टोटली इनक्रेडिबल। क्या लगता है कहाँ की इस वीडियो है, किस मुल्क के किस शहर की है? अगर मैं इसे देखूं तो ये तो मुझे किसी डेवलप्ड कंट्री की लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी यूरोपियन कंट्री की है। और यूरोपियन कंट्री में कौन हो सकता है? यूरोपियन कंट्री में जो है वो फ्रांस हो सकता है, इटली हो सकता है, इसमें जो अज़रबैजान हो सकता है ये मे बी ये टर्की की भी हो। एक लास्ट तुक्का, क्या लगता है कहाँ की है? जैसे मैंने पहले बताया कि बाहर की लग रही है, लेकिन प्रॉबेबली पाकिस्तान में भी हो सकता है कोई ऐसी रिसेंटली डेवलप्ड कोई प्लेस हो। पाकिस्तान नहीं है ये। चाइना? चाइना भी नहीं।
ये इंडिया का शहर गुजरात की साइंस सिटी है। अच्छा अच्छा, ऑल राइट, अमेजिंग, बहुत अच्छी है। कैसा लगा आपने इंडिया के शहर गुजरात का साइंस सिटी का लार्जेस्ट एक्वेरियम देखा इस वक्त? बहुत अच्छा है, काफ़ी हाईटेक बनाया है उन्होंने, तो लग नहीं रहा था कि इंडिया है। मतलब ये तो वो केस है कि जिसपे बिल्कुल लास्ट ऑप्शन में भी कोई इंडिया कहते हैं, अदरवाइज तो कोई यूरोपियन कंट्री या दुबई शुभ कोई हो जाता तो हो सकता है। नो डाउट इंडिया साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया। क्या कहेंगे इंडिया की इस सक्सेस पर कि आए दिन वो कोई ना कोई चीज़ साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से लॉन्च करते रहते हैं? IT इज़ द फ्यूचर ऑफ कोर्स, अगर किसी नेशन ने भी प्रोग्रेस करना है तो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। तो उसमें उनका बड़ा एलैबोरेट मैकेनिज्म है, प्लानिंग है, यूथ को वो इंगेज करते हैं और यूनिवर्सिटीज़ का मिक्स है विद द इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है फॉर प्रोग्रेसिंग इन दिस फील्ड। मैम आप क्या कहेंगी? इंडियंस जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी आजकल डोमिनेटिंग है, लाइक जैसे ब्रिटेन में भी है, प्राइम मिनिस्टर आया आई थिंक इंडियन अभी बना है, यूके में ऋषि सनक, हाँ यूके में एग्जैक्टली। तो इंडियन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है काफ़ी वो हाईटेक फील्ड में है और काफ़ी आगे है, तो IT का आजकल वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, आगे फर्दर जो है वो एवरीथिंग इज कन्वर्टिंग और IT, तो इस पर जो है जो भी कंट्री काम करेगा डेफिनेटली वो जो है करेगा। सर ये इंडिया के शहर गुजरात की साइंस सिटी है? अरे नहीं मैं नहीं मानता। अरे हाँ सच में, इंडिया इतनी तरक्की कैसे कर गया भाई? सर कर गया, आपके सामने आपने खुद देखा तो यहाँ कहीं मेंशन ही नहीं है कि इंडिया। सर ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ क्यों मेंशन नहीं है, ये देखें, ये मेंशन है सारा। अच्छा ये इंडिया कैसे इतनी तरक्की कर गया भाई? इंडिया इनसाइड ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट लेटेस्ट एक्वेरियम, ये देखें क्या लिखा हुआ है, Inside the India's largest and latest aquarium at Gujarat Science City in Ahmedabad. Unbelievable. वैसे ये अगर ऐसा है भी तो इंडिया लगता नहीं खुद से तैयार की होगी, किसी डेवलप्ड कंट्री की उन्होंने मदद ली होगी, ये लगता तो नहीं ऐसे। चले सर मदद ली, जो भी हुआ बना लिया ना उन्होंने, बना लिया तो हमें उस पर जेलस नहीं होना चाहिए, हमें भी उस तरह ये काम करने चाहिए जो इस तरह लोग जिससे मुतासर हों। ये मुतासर कुन सीन थे और ये मैं नहीं समझता कि ये कोई इसमें जेलस होने वाली बात है, अगर इंडिया ने किया तो हमें भी उसी राह में जाते हुए इससे अच्छा काम करना चाहिए। डेफिनेटली हमें इन चीज़ों से मोटिवेट होना चाहिए और हमें मुल्क में इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। बिलीवेबल है कि गुजरात जैसे शहर में वो भी हमारे जैसे कि चीचों की मलिया ना इंडिया का ऐसे है वो शहर, तो वहाँ ये चलो नई दिल्ली में होता है या फिर भी या पाकिस्तान के लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में हो, तो अगर किसी वहाँ के गुजरात में अगर हो जाए तो बड़ी बात है यार, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा उन्होंने एक मार्का मारा। क्या ये इंडिया के शहर गुजरात की साइंस सिटी की सबसे बड़ी एक्वेरियम है? इनक्रेडिबल, आई कैनॉट बिलीव कि इंडिया इस हद तक जो है वो अपने टेक्नोलॉजी पे और अपने इस पे काम कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई है ये देख के कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो डे बाय डे जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है, और हमारे पास मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसा कोई एक्वेरियम नहीं है जिसे देख के जो है हम इतना जो है वो खुश हों। क्या कहेंगे इंडिया साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर किस हद तक आगे पहुंच चुका है, तरक्की की किन राहों पर गामजन हो चुका है इंडिया? आप देखें तो उनका जो लिटरेसी रेट आप देखें, इंटरनेशनल हब जो देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें, जो अमेज़ोन देखे, उनके मेजर हेड जो हैं, उनके मेजर जो हैं इंडस्ट्री वहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, डे बाय डे वो तरक्की कर रहे हैं, वो इसी वजह से तरक्की की तरफ गामजन है कि उनकी जो हुकूमत है वो इसमें लॉयल है, वो इसको लाना चाहती है, उसको डेवलप करना चाहती है, डेवलपिंग की तरफ वो गामजन है। तो अगर वो इसी तरह ही लगे रहे तो मेरे ख्याल में वो 2020-30 तक जो हैं वो एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर देंगे पाकिस्तान में और इंडिया में टेक्नोलॉजी वाइज। इस वक्त पाकिस्तान की साइंस और आईटी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान की साइंस और जो है आईटी सूरत हाल वो बड़ी वर्स है। रिसर्च हम कर ही नहीं रहे, हम जब तक रिसर्चिंग नहीं करेंगे, हम जब तक रिसर्च नहीं करेंगे, हम कुछ इनोवेशन नहीं कर सकेंगे, हम डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे। वहाँ पे इंटरनेशनल हब बन चुका है, वो डेवलपिंग भी कर रहे हैं, वो रिसर्च भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो तेज़ी की तरफ गामजन है।